नगर के तालाब स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर पर विगत 80 वर्षों से शनिवार रामायण मंडल के तत्वावधान में अखंड चतुर्मास रामायण पाठ का सफल आयोजन चल रहा है। इस तारतम्य में शनिवार को चतुर्मास रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया, जिसका 81वें वर्ष में प्रवेश हुआ। शनिवार रामायण मंडल के विष्णु प्रसाद भारतीय ने बताया कि नागरिकों के सहयोग से विगत 80 वर्षों से यह धार्मिक आयोजन लगातार जारी है। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विष्णु प्रसाद भारती। अच्छा, ये बताएं, तालाब हनुमान मंदिर जो खेड़ापति हनुमान जी का मंदिर है जी, यहाँ पिछले कितने समय से अखंड रामायण पाठ चल रहा है? यहाँ सन 1942 से शनिवार मंडल की स्थापना और रामायण पाठ का प्रारंभ हुआ। कितने वर्ष हो गए इसको? इसको 80 वर्ष पूरे हो गए हैं और 81 वर्ष अब लगेगा आज से शनिवार। अच्छा, इसके संस्थापक कौन कौन लोग थे? इसमें संस्थापक के रूप में शनिवार मंडल की स्थापना के साथ श्री कालूराम जी भारती, श्री कालूराम जी यादव, श्री शालिग्राम जी गौरानी और श्री जुगल किशोर भैया जी, इस टाइप के पुराने लोगों के द्वारा इसको चालू किया गया था शनिवार रामायण मंडल, जो अभी तक बिल्कुल अखंड रूप से जो जारी है। हाँ, अभी तक अखंड रूप से चल रहा है, इसमें किसी प्रकार का कभी विघ्न नहीं आया और 80 वर्ष पूर्ण होकर ये 81 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। और क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, हमारे साथ शनिवार रामायण मंडल में अब जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें श्री मुरारीलाल जी तापड़े हैं, सुंदरलाल जी महेश्वरी है, शोभा राम जी नायक हैं, विनोद भारती हैं और कमल भैया गर्ग हैं, गोविंद जी गर्ग हैं। इस टाइप से नए जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सार्वजनिक रूप से यह कार्यक्रम चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।